फूल में बैठे छिपके सर्प बनके, जैसी रोहित ने फूल के लिए हाथ तो बढ़ायो, विश्वामित्र ने नाग बनके उंगली में डस लिया। परीक्षित जब बेटा को उंगली में डसो, बच्चा तो जमीन पे गिरा, लेकिन विश्वामित्र वहां से भागे और जवाब दियो काशी में जाए के कि काशी के लोगों बात सुनो, एक लला बाग में आओ है और मैया मैया चिल्लाए रहो, वह कारे नांग ने खाओ है। अब जिसका गया वो सही पता है, तो तारा रोटी बनाए रही, रोटी हाथ से छूट गई और झपट के ब्राह्मण के चरण पकड़े, नाथ आप मुझे जल्दी अनुमति दो, और मेरा ही बेटा गया था, अगर वो मर गया तो कोई है नहीं आगे पीछे जो हमें पानी दे सके, ना हमें आज्ञा दीजिए। ब्राह्मण बोले ज्यादा यहाँ चौचले करने की जरूरत नहीं है, चल भोजन बना, ठाकुर जी का भोग लगा, हमें भोजन दे, बर्तन धो, उसके बाद में तू जा सकती है। अब महाराज इसका एक बेटा और वो भी चला जाए तो माँ पे क्या बीतेगी। मैया ने भोजन जैसे तैसे बनायो, ठाकुर जी को भोग लगायो, ब्राह्मण को भोजन दियो, बर्तन धोए, अब चरण पकड़ के बोली नाथ जाने दो, आज्ञा दीजिए। बोले चली जा, और एक काम करना, अगर मर गया हो तो जल्दी वापस आ जाना जला के। भाग के मैया पहुंची, रोहित दादा वहां अंतिम सांसें ले रहा था, झपट के लाला को छाती से लगा लो, अरे बच्चा क्या हुआ। रोहित धीरे से शब्दों में कहता, माँ सर्प ने डसा है। विद्वान लिखते हैं के दुख नाने दुखिया, के दुखिया की माय, के दुख जाने माँ चली, तो मर जाए तो बड़ी तकलीफ होती, और भैया खत्म हो जाए तब भी बड़ी तकलीफ होती, बोनी पर कोई कब्जा कर ले तब भी बड़ा कष्ट होता। लेकिन दादा अगर हमारी नजर में हमसे पूछा जाए, माँ बाप बूढ़े घर में हो, बोलने लायक तक न हो, चारपाई पे माँ बाप पड़े और जवान बेटा घर में मर जाए, तो इससे बड़ा कष्ट दुनिया में दूसरा नहीं है। माँ तो रो भी लेगी, लेकिन बाप जो होते ना, पिताओं के हृदय तो बड़े अजीब होते हैं। बाप अगर बूढ़ा चारपाई पे पड़ा है तो जवान बेटे की लाश को देख सकता है, लेकिन अंदर से रोएगा, हृदय चीर लेगा, लेकिन बाहर से आंसू नहीं निकलते। आज मैया ने लाला को छाती से लगाए, अरे बच्चा तुझे पता भी है अगर तुझे कुछ हुआ तो दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूं। लाला महाराज तो पहले ही चले गए, अब कोई दूसरा नहीं है जो हमें समझा सके। रोहित तो फटी फटी आंखों से काफी देर तक देखता रहा, और मां का चेहरा देखते देखते खत्म हुआ। मैया ने माथे पे चुम्बन की और बोली, बच्चा छोड़ना तो ये दुख सहो नहीं रात, रात दिन डगराऊंगी, बिन बछरा के हो जाए, बछरा बिना
सीवती जाएगी तो माली के गले में बाएं डाल के मोली अरे वीरन हमें बड़ी तकलीफ हो गए भैया हमारे पेट में बड़ी आगे हो गए जिसके चार बेटे हो और वे एक संसार को छोड़ के चला जाए तो माँ बाप को कोई समझाने वाला पैदा नहीं हुआ वीरन कोई दूसरों ना है जबकि जिंदगी भर हाथ पकड़ के चले सके भैया अब किसका मुंह देख के जीवन काटूंगी और जमीन पर सर को पटक के मैया तारा ने जवाब दियो रे बच्चा हंसा उड़े चलो अपने Yeah.
दिया तारा और बाग में रोई। बाग के माली ने जवाब दियो ले जा बेना लाश पट जाएगी। दादा एक बात बता दे जा, एक लाश को उठाने के लिए चार कंधे लगते हैं, स्वयं मैया तारा बच्चा की लाश को हाथ ने से उठाई के चली। वो नजारा देखने लायक था, बार बार माथे पे चुम्बन कर रही है, अरे पूत जीवन किसके सारे काटूंगी, बच्चा अब तो कोई दुनिया में दिखाई भी नहीं देता। इतनी बुरी हालत है, लिखती है विद्वान, जब लकड़ियां इकट्ठी कर रही बच्चा को लिटाई के, रात्रि का समय, हरिश्चंद्र बोले कौन है, अरे इतनी रात में कौन आया, यहां के लोग इतने बुरे हैं रात में भी नहीं सोने देते। मैया ने राजा हरिश्चंद्र की आवाज सुनी, सो झपट की भागी। महाराज मैं हूं। कौन? तारा। कौन तारा? महाराज आप मुझे नहीं जानते? नहीं जानता? मैं आपकी पत्नी हूँ। कौन पत्नी? महाराज आप कैसी बात करते हैं, ये आपका बेटा है। हरिश्चंद्र बोले एक बात सुनिए, यहाँ रिश्ते निकालने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ रिश्ते निकालने के लिए नहीं बैठा हूँ। ना तो तू मेरी पत्नी है और ना ये मेरा बेटा है, अगर तुझे लगता भी है कि ये मेरा बेटा है तो उस दिन की याद करो जिस दिन तुमने मुझे गड़ा नहीं उठवाया था। बात तुम्हारा धर्म था और आज यहां मेरा धर्म है, मैं बिना कर का टका लिए लाश नहीं जलने दूंगा। कैसी बात करते हैं महाराज, आप यहां मरघट में एक करके टका के भूखे हैं, कुछ भी समझ लो। और हरिश्चंद्र जंगलाए के मैया तारा समोले, देवी एक बात सुन ले, अरे